लखीमपुर खीरी में किस तरीके से कुचल दिया गया किसानों को, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है उसको भी छीनने का प्रयास कर रही है ये सरकार, तो ये तो गुंडई और एक तालिबानी तरीके से है। वहाँ पर निर्ममता और अमानवीयता की हदें पार की गई है। वो तथाकथित नेता लोग हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिन्हें समाजवादी पार्टी के प्रोग्रामों से कोई लेना देना ही नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी अति महत्वाकांक्षा को पूरा करना है और एक डिस्टर्ब करना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। कल पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के 100वें जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तीतरों में पहुँच रहे हैं। सबसे पहले वो चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कल के कार्यक्रम की जारी हैं और इस समय समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी कल की जो रैली हो रही है उसकी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी साहब, जो कल कार्यक्रम होने वाला है, किस प्रकार की तैयारियाँ हैं और किस प्रकार का पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है? हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हैं और ये 45,000 कुर्सियों का पंडाल यहां पे लगा हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी ठीक 12 बजे जो हैं वो हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर आ जाएंगे और यहां पे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की समाधि पर पुष्पांजलि करने के बाद, क्योंकि उनकी 100वीं जयंती है, जन शताब्दी समारोह, उसके बाद वो फिर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि कल यहाँ से जो 2022 का विधानसभा चुनाव है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चुनाव का आगाज करेंगे? देखिए, ये जनशताब्दी समारोह है और ऐसी राजनीतिक शख्सियत, ऐसी सामाजिक शख्सियत का जन्मदिन है जो 52 सालों तक विभिन्न पदों पर रहे हैं, जिनको प्रदेश ही नहीं देश के अंदर है, उनको जाना जाता है। आज भी उनका नाम अमर है और जितने उनके तमाम समर्थक अनुयायी हैं उनसे बेहद अगाध लगाव, उनका सम्मान प्यार करते हैं और उनके प्रति अपनी जो निष्ठा है वो आज भी उनके अंदर है। आज जिले के अंदर उनकी बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही है और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करें और इस ज़िले के मान सम्मान को जो उन्होंने बढ़ाया, देश के अंदर है बढ़ाया, आज जनता उसकी ही कल्पना कर रही है, उनको याद कर रही है, तो बहुत भारी जनसैलाब यहाँ से यहाँ पर उमड़ेगा। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव की ये पूर्व संध्या पर पश्चिम में बहुत बड़ा प्रोग्राम पहला होने जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक शख्सियत है तो राजनीतिक बातें तो होंगी। आप देख रहे हैं कि समाजवादी रंग भी यहाँ पर नज़र आएगा पूरी तरीके से, और क्योंकि आज हर व्यक्ति की ज़रूरत जो है वो राजनीति है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से प्रदेश और देश की हालात चल रहे हैं तो उनमें तमाम यहाँ पर मुद्दे उठेंगे, क्योंकि वो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी एक किसान भी थे, हमारा परिवार किसान परिवार है, तो स्वाभाविक बात है किसान मजदूर जो छोटा व्यापारी है उन सब के यहाँ पर बातें होंगी। 2017 में भी आपने चौधरी साहब के जन्म दिवस पर यहाँ पर एक रैली कराई थी और उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी, भारी भीड़ उस समय यहाँ पर जुटी थी और कई मंचों से अखिलेश यादव जी उस रैली का जिक्र करते चले आए और बहुत प्रशंसा उस रैली की। अब लखीमपुर खीरी की घटना भी है, किसान आंदोलन भी है और दादरी का प्रकरण भी है, तो किस तरीके से आप देखते हैं ये जो रैली होने जा रही है कल 10 अक्टूबर को, तो जो 2017 में रैली हुई थी उसमें जो भीड़ जुटी थी, अब की बार किस प्रकार की संभावनाएं हैं? अब की बार पहले भी बहुत भारी भीड़ हुई थी, अब के तो उससे डबल ट्रिपल है की उम्मीद है भीड़ होने की, क्योंकि जिस तरीके का जोश जिले के अंदर देखने को मिल रहा है सर्व समाज में, तो स्वाभाविक सी बात है भारी भीड़ होगी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति भी एक लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है, वो भी भीड़ बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगा जिस तरीके की स्थितियां चल रही है। किसान आंदोलन ये 11 महीने होने को जा रही है, ये सरकार बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है। लखीमपुर खीरी में किस तरीके से कुचल दिया गया किसानों को,
जो पीछे सामने देख रहे थे अपना धरना अपना प्रदर्शन करने का सबको हक है, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है, उसको भी छीनने का प्रयास कर रही है ये सरकार। तो ये तो गुंडई और एक तालिबानी तरीके से है, वहाँ पर है निर्ममता और अमानवीयता की हदें पार की गई है वहाँ पर। और आपने दादरी प्रकरण की बात की है कि दादरी प्रकरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, वहाँ पे जो लोग आयोजक थे उनकी उनका कर्तव्य था कि वो इस तरीके की घटना ना होने देते, क्योंकि देखिए गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज वो इतिहास में भी दर्ज है, और इस ये बीजेपी उस इतिहास को नष्ट करना चाहती है। सभी जगह देख लीजिए बहुत पहले से उनकी प्रतिमाएं लगाती आ रहे हैं और गुर्जर समाज ही उनकी प्रतिमाएं लगा रहा है। तो किसी को कोई आपत्ति अगर है तो इतिहास के पन्नों में साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर उस चीज़ की चर्चा कर सकता है, लेकिन जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने जिस जाति में जन्म लिया उन्होंने हमारी इस जाति में जन्म लिया तो, और लेकिन जाति में जन्म लेकर उसके बल पर पूरे राष्ट्र को उन्होंने संपन्नता देने का काम किया। उनके शासनकाल में सोने के सिक्के तक उनके जलते थे, सभी गरीब अमीर, गरीबी तो नाम की बात ही नहीं थी उनके शासनकाल में, उन्होंने सर्व समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो गुर्जर समाज स्वाभाविक बात है कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए कि हमारे यहाँ जन्म लिया, उनको एक अपना आदर्श मानते हुए उनसे प्रेरणा लेकर सर्व समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने में आगे आने का काम करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और सर्व समाज को हक है, हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। जिसने जिस जाति धर्म बिरादरी में जन्म लिया उसको उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। चौधरी साहब, चर्चाएं ये हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर पहुँचे और ये रैली हो, तो वो कौन लोग हैं और ऐसा क्यों चाहते थे? आपने ऐसा सवाल कर दिया कि इसका जवाब दूं तो क्या दूं, बहुत कड़ा सवाल है आपका, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूं। वो तथाकथित नेता लोग हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिन्हें समाजवादी पार्टी के प्रोग्रामों से कोई लेना देना ही नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी अति महत्वाकांक्षा को पूरा करना है और एक डिस्टर्ब करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पिताजी की जयंती पे खुद इच्छा जाहिर की थी, हमारा था कि सहारनपुर में प्रोग्राम हो, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, जयंती पे ही ज़्यादा अच्छा रहेगा जहाँ पहले हुआ था, उनकी खुद की थी, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कितना बड़ा उन्होंने परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी का सम्मान किया। उनके दिलों में 2017 में जब वो आए थे वो दिलों में आज भी छाप है, तो उसी का परिणाम है कि उनके प्रति उनका जो अगाध सम्मान है वो प्रशंसनीय है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और उन नेताओं को, तथाकथित नेताओं को मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम हिम्मत तो करिए, प्रोग्राम कराने की हिम्मत तो करिए, प्रोग्राम कोई वैसे ही नहीं होता, तो वे अपने आप जो है ओंधे मुँह गिर जाएंगे। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति पूरा विश्वास भरोसा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे ऊपर पूरा विश्वास भरोसा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ 2017 में भी कहा था, जब मैंने कहा था कि आईना और परछाई की बात कही थी तो उन्होंने ये कहा था कि परछाई रात के अंधेरे में साथ छोड़ देती है, लेकिन मैं रात के अंधेरे में भी साथ नहीं छोड़ूंगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, कल अखिलेश यादव यहाँ पर आ रहे हैं और 16 तारीख में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आएंगे, तो क्या आप समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? नोमान मसूद आरएलडी से टिकट मांग रहा है इसी विधानसभा से, तो क्या कल कार्यक्रम में नोमान मसूद जी शिरकत करेंगे और 16 अक्टूबर का जो जयंत चौधरी का कार्यक्रम है उसमें आप शिरकत करेंगे या दोनों में आपस में खींचतान रहेगी? देखिए वो आरएलडी का प्रोग्राम है और ये परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की जयंती जन्म शताब्दी समारोह है, इसमें कोई भी आना चाहे स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई भी आना चाहे स्वागत है, क्योंकि वो एक महान इंसान थे, महान राजनीतिज्ञ थे, राजनीति में रहते हुए भी
उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई और असूलों के साथ राजनीति की है। उन्होंने पद के लिए कभी नहीं की, जनता की सेवा के लिए, समाज के लिए राजनीति की है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी जो जनता के लिए हितकारी होगा वही हम काम करने का काम करेंगे। 2017 में अगर मुझे पद की ज़रूरत होती तो मैं MLA होता। मैं 2019 में जो बाई इलेक्शन हुआ, दूसरी साइड से मुझे ऑफर आए, मैंने उसको भी नहीं लिया। संघर्ष के रास्ते जो जीत मिले उसका आनंद ही कुछ और है। और रही टिकट की बात, मैं मांग कब कर रहा हूँ, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए, उन्होंने तो पहले ही घोषित किया हुआ है, आज से नहीं बहुत पहले से घोषित किया हुआ है, क्योंकि हमें उन पर विश्वास भरोसा है। हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपने आप ध्यान रखते हैं। चौधरी साहब ने गुर्जर समाज में जन्म लिया, हालांकि वह सर्व समाज के नेता थे, और कल यहां पर अखिलेश यादव जी की रैली होनी है, और जिस तरीके से दादरी प्रकरण हुआ है और उसके बाद वर्तमान सरकार से कहीं ना कहीं गुर्जर समाज नाराज़ है, जिस तरीके से गुर्जर शब्द शिलापट से हटाया गया, तो क्या ये मान लिया जाए कि कल यहाँ से, क्योंकि ये जो है गुर्जर बेल्ट है जिस स्थान पर हम खड़े हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव जी यहाँ से गुर्जर समाज को साधने का प्रयास करेंगे? उन्होंने ट्वीट करके भी उस पूरे प्रकरण पे गुर्जर समाज के प्रति अपनी सहानुभूति जताई थी और एक तरह से समर्थन करने का काम किया था। देखिए, यहाँ पे जो आएंगे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जो तमाम समर्थक अनुयायी हैं वो सर्व समाज में हैं, वो सभी आएंगे। और स्वाभाविक सी बात है, मैंने पहले कहा कि भाई जिसने जिस जाति में जन्म लिया उसे उस पर गर्व होना चाहिए। हमने गुर्जर जाति में जन्म लिया तो हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी जातियों का सम्मान करना छोड़ दें। हमारे ऊपर दायित्व बनता है कि हम एक कदम नहीं, दो कदम, अनेक कदम बढ़ के और जातियों का हम सम्मान करें, उनकी सम्मान की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझें। यहाँ पर गुर्जर वोटर के साधने की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई केवल यही आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके प्रति ज़िले के अंदर, क्योंकि ज़िले में जिस तरीके की कमी महसूस कर रही है, तो भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ेगा समाज, सर्व समाज उमड़ेगा यहाँ पर। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जो आज विश्वास और भरोसा बढ़ता जा रहा है जनता में, वो यहाँ जन सैलाब के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो प्रदेश और देश के हित की बातें होंगी और उसमें सभी बातें सम्मिलित रहेंगी। इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में आने की चर्चाएं हैं, कल यहां पर रैली भी है और पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, तो क्या कल इमरान मसूद यहां समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? अगर ज्वाइन करते हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं, समाजवादी पार्टी को जनपद सहारनपुर में किसी प्रकार का कोई फ़ायदा होगा या नहीं? देखिए, हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है कि कल वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि वो इमरान मसूद को शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। लाभ या हानि वो तो मैं नहीं बता सकता कि भाई लाभ या हानि कुछ है, उनसे होने वाली है या नहीं, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे। जब हमसे कोई बातचीत होगी, राय ली जाएगी, तब हम अपनी राय देने का काम करेंगे। आज ज़िले में ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी का जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ जनता समाजवादी की तरफ देख रही है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रही है। हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो, सभी भाई आज समाजवादी की तरफ देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो अत्याचार, अनाचार, कुरीति, उनका जो तांडव है, उनके जो तालिबानी रवैया है, उसके खिलाफ जनता जो है आज आक्रोशित है, और उस आक्रोश का एक नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। और इस गंगो विधानसभा की जमुना और गंगा के बीच में यही संगम के किनारे पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, तो जो गंगा जमुना का जो संगम यहाँ पे है, वो संगम इस दिल्ली में होता हुआ निकलता हुआ पूरे देश को समाजवाद की सुगंधित धारा में अपने आप को सुगंध देने का काम करेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है लोकतंत्र बचाओ समाजवाद लाओ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और मैं सभी से यही अपील करूँगा, ज़िले के तमाम हैं जितने भी लोग हैं, कि भारी संख्या में
यहाँ पर पहुँचने का काम करें और इन लोगों को जो तथाकथित नेता इस प्रोग्राम में के बारे में तरह तरह की भ्रामक प्रचार कर रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। जिस तरीके से आपने बताया कि जो रैली है ये लोकतंत्र बचाओ समाजवाद लाओ, तो लोकतंत्र की मैं पूछना चाहता हूँ, आप हर बार यही कहते हैं, किस प्रकार का लोकतंत्र को इस समय कोई खतरा है क्या? पंचायत चुनाव में आपने क्या देखा, मताधिकार का मताधिकार भी छीन लिया गया, ब्लॉक प्रमुख ही हो या जिला पंचायत का हो, तो बताइए कहाँ लोकतंत्र बच रहा। लखीमपुर खीरी का देख लीजिए, क्या नेता वहाँ पर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना चाह रहे थे, वे उपद्रवी नजर आवे कहीं ने बंद कर दो जेल में। आजम खान साहब को देख लीजिए कि किस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे ठोके गए, मुर्गी चोरी तक के, किताब चोरी तक के है, कोई यकीन हो सकता है कि भाई इस तरीके के मुकदमे ठोक दिए गए? तो ये लोकतंत्र है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी। अगर कोई भी ये किसान देख लीजिएगा आप, बॉर्डर पे 11 महीने हो गए, क्या ये माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, जो केंद्र की सरकार के मिनिस्टर भी इनको इस तरीके की संज्ञा दे रहे हैं, उसमें किसान हम भी हैं। मजदूरों पर जिस तरीके से लॉकडाउन एकदम से लगा दिया गया और 1600 किलोमीटर पैदल चले, जान गंवा दी, गरीब आदमियों ने, नौकरी पेशा आदमियों ने, ये हमारे हिंडन इस हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया गया, यमुना में बहा दिए गए, डेड बॉडी तक घर तक नहीं गई, ये लोकतंत्र है? हाथरस में जो कांड हुआ नाबालिग बच्ची की रेप के साथ, पुलिस और प्रशासन मिट्टी का तेल लगा के अपने आप रात के अंधेरे में जला रहे, ये लोकतंत्र है? मनीष गुप्ता जो कानपुर में, गोरखपुर में ही जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहाँ पे होटल में वो मार दिया गया पुलिस के द्वारा, ये लोकतंत्र है? अपने घरों में हाउस अरेस्टिंग बिना किसी आदेश के, लोकतंत्र है ये? संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तार तार किया जा रहा है, ये लोकतंत्र है? मीडिया के जितने भी हैं आप आवाज़ उठाने वाले हैं, आप आवाज़ उठा रहे, ये तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों की हिम्मत का, हौसले का, कि आप लोग कम से कम ग्राउंड लेवल पर जाकर दिखा तो रही है, लेकिन टीवी चैनल वाले कहाँ, सब हाईजैक कर रखे, किसी के भी घर ईडी भेज दी जा, सीबीआई भेज दी जा, तो ये लोकतंत्र है? चौथा स्तंभ प्रजातंत्र का मीडिया हमारा है, जो भी आवाज़ उठाए उसको जेल में ठोक दिया जा रहा, तो लोकतंत्र है ये? 2002 के बाद आपने कई विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन जीत आपको मिल नहीं पाई, अब की बार आप जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और 2022 का विधानसभा चुनाव अभी 5-6 महीने बाद होना है, तो क्या इस बार जनता आपके साथ है, इस बार जीत मिलेगी या नहीं? अच्छा आप ये बताइए, मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में लड़ा, 2017 में लड़ा, मेरा एंड टाइम पे टिकट भी काट दिया गया, सब बात मुझे है, 48-50 हज़ार वोट मिलने का काम हो रहा, हिंदू मुस्लिम दो धारा के बीच में, मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जीत है। 8-10 दिन का चुनाव था, जनता के दिलों में जगह बनाना, उनके दिलों में वो सबसे बड़ा पद है। बाई इलेक्शन 2019 में हुआ, जनता के द्वारा मैं जीता हुआ हूँ, प्रमाण पत्र वो लोकतंत्र की हत्या करके प्रमाण पत्र जबरदस्ती दे दिया है, पूरे जनता जानती है, पूरा जिला जानता है, आप भी जानते हैं मीडिया वाले किस तरीके से बंधक बना दिया था, काउंटिंग के अंदर, मतदान के उसके अंदर परिसर में CRPF भी लगा दी गई थी, 2 घंटा 10 मिनट काउंटिंग बंद रही, मशीनें वहाँ पे सबने देखा कि किस तरीके से थी, अंदर जो मिनिस्टर हैं वो अंदर जा रहे, मेयर अंदर जा रहा, विधायक अंदर जा रहे, पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के में पदाधिकारी जा रहे, जिला निर्वाचन अधिकारी DM को कहा जा, उनके साथ वो मीटिंग कर रहे, ये तो भला हो एक अमर उजाला अखबार वालों ने उसको छाप दिया, मीडिया ने हिम्मत करी, नहीं तो उसके बाद तो मीडिया को भी बैठा दिया बाहर, तो देख लीजिए ये लोकतंत्र है क्या? जीता हुआ तो मैं उसमें भी था, तो प्रमाण पत्र जबरदस्ती दूसरे को दे दिया। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।